मसनून वजू की मुकम्मल तरतीब। वजू के शुरू में बिस्मिल्लाह जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, बिस्मिल्लाह कहते हुए वजू करो। वाज़ह रहे कि वजू की इब्तिदा के वक्त सिर्फ बिस्मिल्लाह कहना चाहिए, अर्रहमान अर्रहीम के अल्फाज का इजाफा सुन्नत से साबित नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वजू के शुरू में अल्लाह का नाम नहीं लेता, उसका वजू नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूती पहनने, कंगी करने, तहारत करने और गर्ज तमाम कामों में दाएं तरफ से शुरू करना पसंद फरमाते। ये आदत भी हमें डालनी है, क्या? हर काम दाएं जानिब से। फिर दोनों हाथ पहुंचो तक 3 बार धोएं। हाथों को धोते वक्त हाथों की उंगलियों के दरमियान खिलाल करें, यानी सिर्फ ऊपर से नहीं धोएं बल्कि अंदर के हिस्सों को भी गीला करें उंगलियों में उंगली डाल के। फिर एक चुल्लू लेकर आधे से कुल्ली करें और आधा नाक में डालें और नाक को बाएं हाथ से झाड़ें। ये अमल 3 दफा करें। फिर 3 बार मुंह धोएं, यानी चेहरा। फिर एक चुल्लू लेकर उसे ठोड़ी के नीचे दाखिल करके दाढ़ी का खिलाल करें। फिर दायां हाथ कोहनी तक 3 बार धोएं, फिर बायां हाथ कोहनी तक 3 बार धोएं। एल्बो को कहते हैं कोहनी, और ये जो हड्डी है ये शामिल होनी चाहिए उसमें। फिर सर का मसा करें, दोनों हाथ सर के अगले हिस्से से शुरू करके गुद्दी तक पीछे ले जाएं, यानी जहां तक बालों की जड़ें हैं। फिर पीछे से आगे उसी जगह ले आएं जहां से मसा शुरू किया था, यानी जैसे खवातीन के बाल लंबे होते हैं या उनके उलझने का डर होता है, तो आप उसको इस तरह करके भी आहिस्ता आहिस्ता ला सकते हैं। जरूरी नहीं कि पूरे बाल पीछे से आगे उल्टाएं। आपने सर का 1 दफा मसा किया, सर का मसा 3 बार नहीं, 1 बार, लेकिन पूरे सर का मसा। फिर कानों का मसा इस तरह करें कि शहादत की उंगलियां दोनों कानों के सुराखों से गुजरकर कानों की पुश्त पर अंगूठों के साथ मसा करें। कानों का मसा इस तरह करें कि शहादत की उंगलियां दोनों कानों के सुराखों से गुजार कर कानों की पुश्त पर अंगूठों के साथ मसा करें। अंगूठे पीछे और शहादत की उंगली सुराखों के अंदर। फिर दायां पांव टखनों तक 3 बार धोएं और बायां पांव भी टखनों तक 3 बार धोएं। यानी अगर आप टैब के आगे भी धो रहे हैं तो उसको 3 दफा पांव को हिला लें, और अगर आप पानी हाथ से डाल के कर रहे हैं तो 3 चुल्लू डाल लें। जब वुजू करें तो हाथ और पांव की उंगलियों का खिलाल करें, यानी पांव की उंगलियों के अंदर भी उंगली डालें, छोटी उंगली। मुस्तौरद बिन शद्दाद रजी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू करते हुए देखा कि आप अपने पांव की उंगलियों का खिलाल हाथ की छंगली यानी छोटी उंगली से कर रहे थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया कि अगर जख्म पर पट्टी बंधी हुई हो तो वुजू करते वक्त पट्टी पर मसह कर ले और इर्द गिर्द को धो ले। यानी मसलन बाजू पर अगर पट्टी बंधी हुई है तो जितना हिस्सा पट्टी का है उसको तो मसाह कर ले और बाकी हिस्से को धो ले। अगर टैप के नीचे ले जाना मुमकिन ना हो तो हाथ से पानी डाल के उसको धो लिया जाए। पट्टी ना भी बंधी हो तो भी मसाह कर ले, ठीक है ना। इसमें आप देखिए जो फर्क आपको लगा होगा कि एक ही चुल्लू से आधे में कुल्ली और आधा नाक में पानी डालना है? इतना पानी को बचाया गया है। कुल्ली और नाक में पानी डालने के लिए अलग अलग पानी लेने का जिक्र जिस हदीस में है उसे इमाम अबू दाऊद, इमाम नववी और हाफिज इब्ने हजर ने ज़ईफ कहा है। इमाम नववी और इमाम इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू का तरीका चुल्लू से आधा पानी मुंह में और आधा नाक में डालना है, यानी ये अफजल तरीका है। और दूसरी रिवायत जो है वो ज़ईफ है, ठीक है। यानी एक चुल्लू से आधा कुल्ली और आधा नाक में डालना जो है ये हदीस ज्यादा सही है, और जो दूसरी हदीस है जिसमें अलग अलग करना है वो ज़ईफ रिवायत है। एक बात जिसका मुझे सख्त खौफ और खतरा महसूस हो रहा है वो ये कि आप आज से घर में मुफ्ती बन जाएंगे और जाके सबके वजू गलत करार देंगे। क्या ऐसा ही करेंगे? लेकिन मुझे डर क्यों लग रहा है आप ऐसे करेंगे? देखिए, आप फिक्र इस्लामी पढ़ रहे हैं, ये जान रहे हैं कि फिक्र की असल बुनियाद कुरान और सुन्नत में सही हदीस है, और प्रेफरेंस हमारी सही अहादीस पर है, और फिर सारे जखीरे को खंगाल कर जो चीजें सही के दर्जे पे पूरी उतर रही हैं उनको
उनको इख्तियार करना है। अब ये आप तो एक प्रोसेस से गुजर कर आप एक चीज को ले रहे हैं, ढूंढ के सब जान के फिर आप कह रहे हैं हाँ ठीक है मैं ये ले सकती हूँ। लेकिन जिन्होंने ये सब जाना नहीं पढ़ा नहीं, उन पर आप मुसल्लत तो नहीं कर सकते ना कुछ। हाँ बता सकते हैं, और बताने के लिए आप किताब फिर सामने रखिए, जबानी बातें नहीं कीजिए, और लोगों के वजू गलत करार नहीं दीजिए। इससे भी बचिए कि आप गलत वजू कर रही। आप ये कह सकती हैं कि आपने अगर सही हदीस का इंतखाब करके बेहतर वजू किया है तो दूसरे का गलत नहीं है, ठीक है, बजाय इसके कि वो नमाज पढ़ता रहे, ऐसा ना हो कि आपका तर्ज अमल उसको नमाज से ही भगा दे। ये ज्यादा अहम नुक्ता है सीखने का बनिस्बत अफजल और बेहतरीन चीजें सीखने के। और ऐसे लोगों को भी आराम से बता सकते हैं जो खुद सुनने के समझने के तलबगार हों, और बस बिला वजह किसी के भी पीछे नहीं। अब देखिए कि मैंने ये किताब आपके सामने क्यों रखी, ताकि दलायल आपके सामने हो, और अगर आपको मैं दलायल के बगैर खुद अपने हुक्म के तौर पे सुनाती तो शायद आपके लिए भी कबूल करना आसान ना होता। चलिए आगे चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कानों का ताल्लुक सर से है, यानी सर का मसा जो कुरान में आता है ना, फमसहु बिरूसिकुम, तो कान भी सर का हिस्सा है। यानी अगर कोई पूछे कि दलील क्या है, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दलील दी है कि कान सर का हिस्सा है, यानी कानों का ताल्लुक सर से है। इसे इब्ने जौजी वगैरह ने सही कहा है, यानी इस हदीस को। इसका मतलब यह है कि कानों के लिए नए पानी की जरूरत नहीं, यानी मसह करते वक्त वो सर ही के मसह में शामिल है। कानों के मसह के लिए नए पानी लेने वाली रिवायत को हाफिज इब्न हजर ने शाज कहा। शाज क्या होता है? अनयूजुअल, अनोखी राय जो जमहूर से हटकर हो। हाफिज इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गुद्दी के नीचे गर्दन के अलग मसा के बारे में कतअन कोई सही हदीस नहीं है। गर्दन के अलग मसा के बारे में कतअन कोई सही हदीस नहीं है। गर्दन के मसा की रिवायत के मुतल्लिक इमाम नववी फरमाते हैं, ये हदीस बिल इत्तिफाक ज़ईफ है। बिल इत्तिफाक, ठीक है। अच्छा, अब आप जब वो जाते हैं ना पीछे तक ले जाते हैं, तो खुद ही आपका हाथ कहाँ तक पहुंच जाता है? गर्दन तक पहुंच ही जाता है, और फिर उसी को वापस ले आते हैं। लेकिन अलग पानी लेके सिर्फ इस तरह करना जो है, इस बारे में कोई हदीस सही नहीं, ज़ईफ ही है।